अगर आपके पास आधार कार्ड है और वोटर कार्ड है तो अभी तक आपने लिंक नहीं किया हुआ है तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है। अगर आप वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करते हैं तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि आजकल ऐसा होता है अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो जाता है, आपने कहीं मिसप्लेस हो गया है, तो आप किस तरीके से वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं आपको पता ही है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जैसे कि हमारे पास डिजी लॉकर का एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट से हम एक्सेस कर सकते हैं हमारा 10th सर्टिफिकेट, हमारा RC, हमारा आधार कार्ड या फिर बाकी अदर डॉक्यूमेंट, लेकिन वहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो अगर आप वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करते हैं तो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं खो भी जाता है तब भी आप डिजी लॉकर से वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कब से स्टार्ट होगा और कैसे करना है प्रोसेस, चलिए आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए जो अपडेट आया है इसके लिए आप आएंगे ट्विटर में। ये पोस्ट हुआ है CEO झारखंड इलेक्शन की तरफ से। अगर आपको लाइव देखना है तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके देख सकते हैं। यहां पर मैं जैसे क्लिक करता हूं, इनका एक पोस्ट है, अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड के साथ जोड़ने का एक अपडेट है यहाँ पर जारी किया गया है। आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़े, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, आप देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आइए अपने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़े या फिर अधिसूचित 11 दस्तावेजों से कोई भी जमा करें। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर आप नहीं लिंक कर सकते हैं तो आप ऑफलाइन भी लिंक करने का यहां पर बहुत जल्दी शुरू कर देगा ऑप्शन। तो यहां पर शुरू करने के लिए जो डेट बताई गई है 1 अगस्त 2022 से शुरू, मतलब कि 1 अगस्त से आपको यहां पर स्टार्ट हो जाएगा आपके आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने का काम। यहां पर प्रोसेस तो नहीं बताया है लेकिन यहां पर मेंशन किया है nvsp.in का। अगर आप यहां पर nvsp.in मारेंगे तो देखिए यहां पर मैं nvsp.in पर आ जाता हूं और आपको बताता हूं किस तरीके से करना है, क्योंकि यहां पर प्रोसेस तो बताया नहीं है लेकिन यही प्रोसेस होगा और इसी तरीके से आपको करना होगा। तो जैसे कि ये वेबसाइट बहुत ही स्लो है, जो गवर्नमेंट का सर्वर है काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी लोड होता है वहाँ पर। इसके लिए आपको एक रास्ता बताता हूँ, आपको आना है गूगल पे और आपको यहाँ पर टाइप करना होगा वोटर, इसके बाद TECHMEHER टैग मेहर। जैसे आप वोटर टैग मेहर लिखेंगे तो सबसे पहले लिंक आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक पूरा आर्टिकल लिख दिया था कैसे आप वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। ये तो वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने का ही पोस्ट लिखा गया है लेकिन यहाँ पर nvsp.in का जो पोर्टल है यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है बोल के यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से आपको वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो जैसे आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा आपको इसी तरीके से देखेगा, तो यहाँ पर आपको लिंक भी मिलेगा और वेबसाइट का, जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधे ही आप आ जाएंगे nvsp.in पे। तो नीचे देखिए आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर लॉगिन बाय रजिस्टर है, आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इससे पहले इस वेबसाइट में आईडी पासवर्ड बनाए हैं तो आईडी पासवर्ड यहाँ पर देके लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप यहां पर पहली बार आए हैं, आप यहां पर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बनाए हैं अभी तक, नए से आए हैं, फ्रेश हैं, तो आपको यहां पर सबसे पहले अपना अकाउंट को रजिस्टर करना होता है, आपके नाम पर एक अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट को फ्री में बनाने के लिए नीचे देखिए डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, ये जो कैप्चा है यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद सेंड OTP करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा, तो OTP को डाल के नीचे आपका EPIC नंबर यानी कि आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे यानी कि आपको एक पासवर्ड सेट करेंगे, कन्फर्म करेंगे, इसके बाद रजिस्टर करेंगे। इसके बाद आपका आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर अभी तक फ़िलहाल कोई भी यहाँ पर लिंक नहीं दिया गया है आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने का, लेकिन यहाँ पर ही आपको बताया जाएगा और यहाँ पर ही एक लिंक दिया जाएगा जहाँ से आप क्लिक करके आपका वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। खैर ये तो है डाउनलोड करने का प्रोसेस जो मैं आपको आर्टिकल के रूप में समझा रहा था। तो ये बस अपडेट था आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने का, 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो मैं एक क्लियरली वीडियो बनाकर इसी चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा कर रखिए ताकि आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहले आए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।